गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और क्या करने वाली थी आज मैं भूल गई मैं आज की वीडियो जो है, और मैं वो स्टार्ट कर रही हूँ दिन के टाइम, बिकॉज आज मैंने मॉर्निंग में कोई भी शूट नहीं किए। और कल वाली ब्लॉग में मुझे सब ने पूछा था कि हमें नेल्स ट्यूटोरियल्स दो, बहुत हम एक्साइटेड हैं। तो उनके ऊपर मैं एक ब्लॉग आज बनाने जा रही हूँ, जो आप घर बैठ के कोई भी, आपका इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और कोई भी फेस्टिवल में हम इजीली नेल्स को आप फिक्स करके फंक्शन में जा सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। तो बहुत ही इजी वे आपको बताऊंगी आज मैं। तो सबसे पहले हम लेने जाते हैं मार्केट नेल्स। ये तो मैंने कराए हैं अपने ही स्टूडियो पे, बट आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इजी वाला बताऊंगी, जो आप लेके उसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो हम पहले चलते हैं नेल्स लेने। बाय बाय, चलो काम किता नहीं पहला। ये देखो तैयारी, देखो और देखो ये देखो इनकी सारे, ये फुल टाइम ये मस्तियां करते हैं। और थोड़ा सा मैं मार्केट लेके जा रही थी नेल्स लेने के लिए, तो ये देखो, ये देखो इतना परफ्यूम कौन यूज करता है? नो चलो चलो चलो, लेट्स गो। ड्राइविंग से छुट्टी मिल गई और ये कार ड्राइव कर रही है शीनू। कैसा लग रहा है आज मुझे छुट्टी देके? बहुत बढ़िया, मुझे ना बहुत मजा आ रहा है कि मैं कार ड्राइव नहीं कर रही, साइड पे बैठी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखो हमारी मालकिन वहाँ पे बैठी है, हम दोनों यहाँ पे ड्राइवर है आगे है ना मैम, कुछ लाए हम आपके लिए? ये हमारी हेयर आर्टिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट है, और ये हमारी नेल आर्टिस्ट है, और ऑलराउंडर है, बनने की पूरी पूरी तैयारी है इनकी। हम फाइनली पहुंच चुके हैं मार्केट। ये लड़की मुझे लेकर आई है, ये लेकर आई है आज, इसके शॉप पे, इसके पापा का शॉप है ये पापा का नहीं है, न्यू पापा का। आपको ने सर ड्राइवर बोला, इसको मारो, पिटाई करो इसकी, ये ना छोटी सी बच्ची है इसलिए मैंने इसको माफ किया है। देखिए कि वो टोर्नल बैठी है, ये छोटी सी बच्ची है तो मैंने इसको माफ किया। हाँ जी, चलो मैम आपको छोटे होने के कारण से आपको माफ कर दिया, चले उतरो। हाँ, ले जो। So guys, तो अब हम आ चुके हैं सैलून और नेल्स जो है स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेल आर्टिस्ट, और ये हमारी ईशा मैम करवाने वाले हैं आज, फेस्टिवल्स आ रहे हैं। तो गाइस हमारा तो जैसे प्रोफेशनल काम है, तो मैंने आप लोगों के लिए भी बहुत ही इजी ट्यूटोरियल्स निकाला है आज, और जो प्रोफेशनल में यूज होते हैं, जैसे एक्रेलिक परमानेंट वाले होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं, और ये प्रेस ऑन होते हैं। इसको हमने करना होता है डिज़ाइन, खुद करना होता है, खुद अप्लाई करना होता है नेल्स में, और इसको प्रॉपर बनाना पड़ता है। बट मैं आप सबके लिए इजी वे बता रही हूँ, जैसे ये मार्केट्स में इजीली अवेलेबल होते हैं, जिनके ऊपर ये सारे डिज़ाइन होता है, प्लस इसमें ग्लू भी आता है। सो ये नेल्स जो है रिपीट भी आप कर सकते हो, जैसे अगर बाई चांस में पानी वगैरह, हमने पानी का वर्क ज़्यादा कर लिया तो ये निकल भी सकते हैं। बट ये है कि आपका जो फंक्शन है इंस्टेंट वाला, वो इजीली आप इसको अप्लाई करके जा सकते हो, जिसके पास टाइम की कमी हो, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होती बट हम करा के रखते हैं, ठीक है। तो इजीली एप्लीकेशन के लिए नेल सेफ रखने हैं, तो हम ऐसे स्टिकर्स मिलते हैं हमें, ये देख सकते हैं आप, ऐसे स्टिकर्स होते हैं, और ये स्टिकर्स के ऊपर ये नेल्स रखते हैं। मैं आपको दोनों वे बताऊंगी स्टार्ट नेल्स, ठीक है। उसके लिए आपको घर पे भी इसको यूज करने के लिए क्या क्या चीजों की, किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें चाहिए एक ऐसा फाइलर,
एंड एक चाहिए हमें सब ब्लॉक बफर, ठीक है, जिसके साथ हमारे जो नेल्स हम जो इस पर अप्लाई करेंगे वो लॉन्ग लास्टिंग जाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। और सेकंड हमें जो इसमें जो नेल्स आते हैं, कई बार क्या होता है कि नेल का जो बेड होता है किसी के साइज़ पूरा आता है किसी का साइज़ पूरा नहीं आता है, तो उसके लिए हमें चाहिए ऐसा एक फाइलर। तो हम इन चीज़ों के साथ हम घर पे ही भी इजीली हम इन नेल्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो सो अब हम स्टार्ट करते हैं नेल्स एक्सटेंशन। मैं सबसे पहले ये हम करेंगे अपनी नेल्स की सफाई, क्लीन करेंगे अपने नेल्स को। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे नेल फाइलर, उससे हम अपने नेल्स की शेप बनाएंगे। जैसी भी शेप से आप कंपैटिबल हैं वैसे आप अपनी शेप बना सकते हैं। जैसे मैं इनकी शेप बना रही हूँ, इनको राउंड अच्छी लगती है। इसके बाद हम नेल बेड को रफ करेंगे। रफ हम क्यों करेंगे? क्योंकि इस पे मॉइस्चर ना आ जाए और जो हमारे आर्टिफिशियल नेल्स हैं वो थोड़ा लॉन्ग टाइम तक स्टे कर सकते हैं। तो अब थर्ड स्टेप है इसको डस्ट करना। डस्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर फिंगर टच नहीं करनी है, अगर फिंगर टच करेंगे तो मॉइस्चर आ सकता है और आपका नेल है जो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज़ हमें अपने नेल बेड के अकॉर्डिंग या आर्टिफिशियल नेल को मेजर करना होता है। जैसे ये नेल बहुत बड़ा है एंड इनका नेल बेड बहुत छोटा है। आर्टिफिशियल नेल को अपने नेल बेड के अकॉर्डिंग शेप करेंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग, सो दैट ये इजीली अप्लाई हो सके। इसको हम साइज़ करेंगे फाइलर के साथ। सो इस तरह से हमने कर लिया है नेल्स की मेजरमेंट। सो गाइस फाइनली अब हमारे हो चुके हैं नेल शेपिंग, बफरिंग, डस्ट आउट, सब कुछ हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे नेल्स। तो नेल्स को अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए एक ग्लू और एक चाहिए स्टिकर। ये आपकी चॉइस है दोनों में से आप कौन सा यूज़ करोगे। ग्लू जो यूज़ करोगे तो वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग जाता है और जो स्टिकर्स यूज़ करोगे वो थोड़ा 2 या 3 डेज तक ही चलता है। अगर स्टिकर यूज़ करते हो आपके जो नेल्स हैं वो सेफ़ रहते हैं, उसमें कोई ग्लू एंड कुछ भी नहीं जाता, तो वो नेल्स आपके जो हैं उसको हार्मफुल नहीं करता। ग्लू के साथ थोड़ा सा हार्मफुल होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। आप दोनों ही चीज़ें यूज़ कर सकते हो। और जो ग्लू है वो आपको इस नेल्स के साथ आपको नहीं मिलता और ये इजीली मार्केट में आपको मिलेगा। और इसका जो प्राइस है, स्टिकर्स का जो प्राइस है, ये 40 रुपीस का है और जो नेल्स के प्राइस है वो 200 प्राइस है। तो अब मैं आपको बताऊंगी वन हैंड जो है वो मैं आपको बताऊंगी स्टिकर के साथ। दोनों ऑप्शन आने चाहिए, जौन सा आपकी चॉइस होगी वो आप यूज़ करना। एंड एक हाथ बताऊंगी मैं ग्लू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। तो फर्स्ट बताने वाली हूँ मैं स्टिकर के साथ। स्टिकर को सबसे पहले हमने स्टिकर को ऐसे ओपन करना है, देन फिर इसके बाद इसको फिर से ओपन करना है। स्टिकर है उसको हमने अप्लाई करना है आपके खुद के बेड पे, नेल बेड पे। तो हम इसको लगाएंगे कुछ इस तरह से, इसको हमने फिक्स करना है। देन इसको हमने प्रेस करके ये नेल्स के साथ ये हमने फिक्स कर दिया। देन अब हम अप्लाई करेंगे जो हमने मेजरमेंट करके रखे थे नेल्स, वो हम अप्लाई करेंगे। और इसी तरीके से हमने सेकंड भी अप्लाई करना है। सो आप देख सकते हैं जो नेल स्टिकर्स वाले हैं वो हमारे एप्लीकेशन हो चुके हैं। तो अब हम सेकंड करने वाले हैं ग्लू का। हमने लिया है ग्लू, देन हमने लगाया है नेल्स पे, देन इसको हमने करना है प्रेस। तो अब हम आपको सेकंड भी बताएंगे ग्लू नेल्स के अंदर कैसे लगाना है।
इस तरह से हमने नेल्स के अंदर वन ड्रॉप्स जो है ग्लू लगाना है। देन इसके बाद हमने लगाना है फिंगर पे। गाइस ये हो चुके हमारे नेल्स। तो वैसे तो ये फाइल नहीं भी करोगे तभी चलेगा, अगर आपको ज़्यादा ही नेचुरल चाहिए तो आप इसको थोड़ा थोड़ा फ्रंट से फाइल कर सकते हो नेचुरल इफेक्ट के लिए। ये फाइल किए हैं और ये विदाउट फाइल, ये हमने फाइल नहीं किया है, ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल लग रहा है एंड ये वाला जो है वो थोड़ा नेचुरल इफेक्ट दे रहा है। ये हो चुके हमारे नेल्स डन। और जैसे कि आप सबको पता है मैंने अभी नेल्स का स्टार्ट किया है, तो मैंने इससे पहले वाली जो ब्लॉग है उस पर मैंने नेल्स का सारा अपना वर्क दिखाया था, अपने मम्मा से मैंने स्टार्ट किया था। सो और मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे इंस्टा में भी एंड यूट्यूब में भी, तो इसलिए मैंने ये नेल्स का जो ट्यूटोरियल्स है वो मैंने बनाया है। बट ये परमानेंट नेल्स नहीं है, ये टेम्प्ररी क्विक एंड ईजी वाले नेल्स हैं जो आप घर बैठ के भी आप इसको ईजिली कर सकते हो। और जैसे कि फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं उस चीज़ के लिए मैंने लेडीज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए मैंने ये ट्यूटोरियल्स बनाया है आज, तो आप इसको इजीली अपने घर पे कर सकते हो। आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।